हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने एक आरपीजी प्ले की जिसका पिकिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यानी उसे प्ले करने का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसी आरपीजी पर आतिफ असलम सर ने कुछ पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स का मैशअप गाया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और इसी मैशअप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर इसे सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही आरपीजी सिखाऊंगा ताकि गिटार प्ले करते हुए आपको थोड़ा गाने का कॉन्फिडेंस आ सके और आप किसके साथ इजीली अकंपनी कर सकें, यानी गिटार प्ले कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस आरपीजी को सीखना। तो सबसे पहले हम इस आरपीजी के पिकिंग पैटर्न को सीखेंगे, यानी राइट हैंड से प्ले करने के पैटर्न को। और इसके लिए हम सबसे पहले अपने गिटार के स्ट्रिंग्स को म्यूट करते हैं और अपनी जो लिटिल फिंगर है यानी पिंकी फिंगर, उसे गिटार बॉडी पर रखते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आरपीजी प्ले करने के लिए हम ऐसा करते हैं, और आपको मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो फिफ्थ स्ट्रिंग को डाउन स्ट्रोक, एंड फोर्थ स्ट्रिंग को अगेन डाउन स्ट्रोक, एंड थर्ड स्ट्रिंग को अप स्ट्रोक, एंड देन फोर्थ को अप स्ट्रोक, एंड देन फिफ्थ स्ट्रिंग को अगेन डाउन स्ट्रोक, एंड देन थर्ड को अप स्ट्रोक, एंड देन फोर्थ को अप स्ट्रोक, एंड देन लास्ट फिफ्थ को अप स्ट्रोक। तो ये पूरा पिकिंग पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप अप, फाइव फोर थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव, डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप अप, फाइव फोर थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव, फाइव फोर थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव। तो दोस्तों, आपको इसका पिकिंग पैटर्न अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं इस आरपीजियो की फिंगर प्लेसमेंट का पैटर्न, और इस आरपीजियो को हम फोर पार्ट्स में प्ले करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में जो आपकी थर्ड फिंगर है वो थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और जो आपकी मिडिल फिंगर है यानी सेकंड फिंगर, वो सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पर आएगी कुछ इस तरह से, और राइट हैंड से हम आरपीजियो प्ले करेंगे। और इस आरपीजियो के सेकंड पार्ट में हम हमारे मिडिल फिंगर को फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट में रखेंगे, डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप अप। और इस आरपीजियो के थर्ड पार्ट को प्ले करने के लिए हम अपने मिडिल फिंगर को सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पर रखेंगे, और सेम पिकिंग पैटर्न दोबारा प्ले करेंगे, डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप। जो इस आरपीजियो का लास्ट पार्ट होगा उसमें हम अपनी मिडिल फिंगर को यहीं पर रहने देंगे, यानी फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर, और जो हमारी थर्ड फिंगर है वो फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पर आ जाएगी, और हम सेम पिकिंग पैटर्न यूज करेंगे, यानी डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप अप। तो दोस्तों, ये पूरी आरपीजियो कुछ इसी तरह से होगी। मैं आपको एक बार स्लो प्ले करके दिखाता हूं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आरपीजियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस आरपीजियो में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।